एक जमाने में गुड़ियापुर नाम का गांव था। उस गांव में सुंदरलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। उनके पिता के दान धर्म की वजह से उनके जीवन में कष्ट था, पर बेटों ने उनको बोलना बंद कर दिया था। एक सुबह सुंदरलाल जब खेतों की तरफ जा रहा था, तब उसका दोस्त सोमराजू उसे मिलता है। क्यों भाई सुंदरलाल, कैसी चल रही है जिंदगी? भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ये तो तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम अपना परिवार चलाने में बहुत तकलीफ उठा रहे हो पता चला। हिचकिचाओ मत, मदद की जरूरत होगी तो मुझे बताओ। अभी तो जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा, सुंदरलाल ऐसे कहता है। उसी समय खेत की तरफ जाता हुआ विनोद उनसे मिलता है। नमस्ते साहब जी, आपकी तबीयत कैसी है? बड़ी माँ तो आजकल दिखाई ही नहीं देती हैं। मेरे घर में सहजन का पेड़ सूख रहा है। सहजन और पालक देना है, ऐसा कई बार मेरी पत्नी कह चुकी है। खेती बाड़ी में बहुत काम होने की वजह से मैं खुद देने नहीं आ सका। आज शाम को मैं लेकर आता हूँ। ये सुनकर सोमराजू सोचता है कि विनोद उससे भी बातें करेगा, पर वो पूछता नहीं है तो सोमराजू खुद ही बात करने लगता है। क्या हुआ विनोद, पास में मैं भी तो हूँ ना, मुझसे भी बात कर सकते थे, मुझे भी तो सहजन दे सकते थे ना। सांभर में सहजन डालकर खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं मुझे। मुर्गा और बकरी खाने वाले आप लोग कहाँ हमारे घर का सहजन खाएंगे? हाँ, मुर्गा और बकरी रोज थोड़े ही खाते हैं हम लोग। शाम को आते समय मेरे लिए भी सहजन लेकर आना, फिर मैं तुम्हें चावल बेचने की बहुत अच्छी तरकीब बताऊंगा। ठीक है साहब, आप जैसे शरीफ लोग करोड़ों में एक मिलते हैं, लेकिन फिर भी उपज तो अच्छी होनी चाहिए ना, उसके लिए अगर कोई उपाय है तो बताइए। शाम को हम लोग शांति से बैठकर बात करते हैं ना। उसके बाद विनोद वहाँ से चला जाता है। सोमराजू सुंदरलाल से कहता है कि और बताओ सुंदरलाल, तुम्हारे बच्चे त्योहार में आए थे ना? नहीं सोमराजू, बड़े बेटे का शहर में फल का व्यापार है, छोटा बेटा ससुराल में कुछ जमीन लीज पर लिया है। ऐसा है क्या, और बेटी कैसी है? बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं, इससे ज्यादा एक लड़की के लिए और क्या चाहिए। सही कह रहे हो, लेकिन अगर बेटे साथ में रहें तो और भी अच्छा लगता है। बेटे बहू पोते पोती, इनके बिना जिंदगी अकेली रह जाती है। इस बात की सुंदरलाल हामी भरता है। फिर शाम को विनोद सब्जी की थैली लेकर सुंदरलाल के घर आता है। वैसे रास्ते में सोमराजू का घर भी होता है, पर वो सुंदरलाल के घर ही जाता है। बड़े साहब, ओ बड़ी माँ, घर पर है क्या? सब्जी लेकर आया हूँ। जुबान के बड़े पक्के हो, अगर अभी लेकर नहीं आते तो भी चलता, दिन भर काम करके थक गए होगे, अभी लेकर आना जरूरी था क्या? आप भले कुछ भी कहिए, पर मेरी पत्नी नहीं मानने वाली। उसने मुझसे कहा कि ये सब्जी तुम तुरंत लेकर जाओ। मैंने कहा कि खाना खा के जाता हूँ, पर वो कहाँ सुनने वाली है। उसकी आवाज सुनकर सुंदरलाल की पत्नी जानकी वहाँ आती हैं। कैसे हो विनोद बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। हाँ बड़ी माँ, आपने सही सुना है, और अब आपको ही उसका ख्याल रखना है। बेटा हुआ तो उसका नाम सुंदरलाल और बेटी हुई तो उसका नाम जानकी रखना है। पर ऐसा क्यों? उसके दादा दादी के नाम की बजाय हमारे नाम से क्यों? आप लोगों से अच्छा इंसान यहाँ कोई नहीं है माँ जी, हमारी शादी के लिए आपने जो मदद किया वो कभी नहीं भूल सकता मैं। हमारे घर में आज जो चूल्हा जल रहा है वो आप लोग की वजह से है, ये सब हम लोग कैसे भूल सकते हैं माँ जी। नेक काम करके आप भूल जाएं पर हम नहीं भूल सकते। ये सारी बातें सुंदरलाल सुन रहे थे। वो कहते हैं ठीक है समय ज्यादा हो गया, जल्दी खाना बना दो, आज ये यहीं से खाना खा कर जाएगा। नहीं बड़े साहब, मेरी पत्नी ने मेरे लिए घर पर खाना बनाया है। कोई बात नहीं, वो खाना तुम लोग कल खा लेना बेटा, आज यहीं खा कर जाओ। जानकी माँ ऐसा कहती है। उसके बाद खाना बनाने के लिए जानकी माँ अंदर जाती है। सुंदरलाल और विनोद दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर खाना खाने के बाद जानकी माँ एक छोटे डब्बे में सब्जी देकर कहती है, ये अपनी पत्नी को खिलाना, उसे बहुत पसंद आएगा। आप लोग किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देते। विनोद ऐसा कहकर सब्जी लेकर थैले में डाल देता है और जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से जाता है जहाँ सोमराजू उसे देखते हैं। ये क्या विनोद, सब्जी लेकर आए थे ना, फिर मुझे दिए बिना ही वापस क्यों जा रहे हो? अरे मैं कहाँ सब्जी लेकर आया हूँ, जानकी माँ ने जो सब्जी दी थी वही लेकर जा रहा हूँ मैं। तुम सब्जी ले जाने के लिए यहाँ आए थे क्या? नहीं साहब, खेती के काम के लिए थोड़े पैसों की जरूरत थी, वही सुंदर साहब से मांगने के लिए आया था, पर उन्होंने मना कर दिया। सुबह आपने उनसे कहा था ना कि पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, तो वो सुबह आपसे मांगेंगे।
अब वो आपसे मांगे या मैं आपसे मांगू, बात तो एक ही है, खेती बाड़ी और घर के खर्चे के लिए थोड़े पैसों की मदद कीजिए आप। खेती का काम होते ही मैं दे दूंगा। ये बात सुनकर सोम राजू बहुत चकित हो जाते हैं और फिर वो विनोद से कहते हैं कि हाँ, दरअसल बात यह है कि पैसे उधार देना देने वालों के लिए और लेने वालों के लिए अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा दिन देखकर एक महीने के बाद आना। सोम राजू ऐसे ही चतुराई से जवाब देंगे ये विनोद जान चुका था। एक महीने के बाद अगर आप देंगे तब तक मैं खेती बाड़ी का काम छोड़ दूं या घर का चूल्हा जलाना छोड़ दूं? आप ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? अगर मदद कर सके तभी हाँ कहना चाहिए, नहीं तो मना कर देना चाहिए। सुंदर साहब और जानकी अम्मा के घर में भले ही कुछ ना हो पर वो किसी को भी वापस बिना खाना खिलाए नहीं भेजते। पर आप सिर्फ आने जाने वालों से क्या मुफ्त में मिल जाए इसी चक्कर में लगे रहते हो। बिल्ली को दूध नहीं पिला सकते लेकिन अपने आप को सबके सामने दानवीर बना के पेश करते हो और बेवजह के उपदेश देते रहते हो। आपके बारे में तो पूरे गाँव को पता है, भले आपके सामने कोई ना बोले लेकिन पीठ पीछे सभी आपकी बुराई करते हैं। विनोद गुस्से में जवाब देता है जिसे सुनकर सोम राजू को भी गुस्सा आता है। ये क्या जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो? तुम्हारी सब्जी भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं चाहिए, जाओ चले जाओ मेरे सामने से। अरे तो जाऊंगा ही ना, आप क्या सोच रहे थे कि आपके घर पे बैठ के पहरा दूंगा? और फिर विनोद वहाँ से तेजी से चला जाता है। विनोद की बातों की वजह से सोम राजू को रात भर नींद नहीं आती है। उसके पास इतना पैसा होते हुए भी बिना पैसे के सुंदरलाल को सभी इज्जत दे रहे हैं तो उसे ईर्ष्या होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की फिर से मुलाकात होती है। रास्ते में आने जाने वाले कई लोग सुंदरलाल से बातें तो करते हैं लेकिन सोम राजू की तरफ कोई देखता तक नहीं। नए साल का जश्न हमारे घर में धूमधाम से मनाया जा रहा है लेकिन इस बार भी तुम्हारे बच्चे नहीं आए। यही वजह है कि जरूरत से ज्यादा दान करने से रिश्ता टूट जाता है, इसीलिए मैं लोगों के साथ एक हद तक ही रहता हूँ। इस तरह से अपनी बातों के तीर सोम राजू सुंदरलाल पर चलाते हैं और सुंदरलाल के दिल को ठेस पहुंचती है। वो सोचते हैं कि अपने बच्चों को कुछ पैसा दे पाते तो अच्छा होता लेकिन उनको देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। फिर सुंदरलाल दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं जो देखकर सोम राजू को बहुत खुशी होती है। घर जाने के बाद सुंदरलाल पत्नी के आग्रह करने के बावजूद बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर वो अपनी पत्नी जानकी से कहते हैं कि जानकी मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। रात को बिना कुछ खाए सोने के बाद भी इतनी पूर्ति से उठे हो, कहिए क्या बात है? जैसे आसमान में लक्ष्मी देवी के इर्द गिर्द सोने की बारिश होती है उसी तरह सोने की बारिश मेरे इर्द गिर्द हो रही थी, मैंने सपना देखा था। हाँ आपके पास पैसा नहीं है सोचकर सोए होंगे इसीलिए ऐसा सपना आया होगा। अच्छी बात सोचेंगे तभी अच्छी बातें होंगी। बिल्कुल, मैंने अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी लेकिन उन्हें जायदाद नहीं दे पाया। दूसरों को दान करने वाला ये हाथ बच्चों को कुछ नहीं दे पाया। और दुखी मन से सुंदरलाल रोने लगते हैं। उन्हें देखकर जानकी माँ भी रोने लगती हैं। फिर अपने आप को संभाल कर कहती हैं, जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा वो नहीं मिल सकता लेकिन जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। आपके अच्छे गुण पूरा गांव जानता है। आपने जो लोगों की मदद की है वो बेकार नहीं जाएगी। तो चलिए उठिए, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए और फिर अच्छे मन से खाना खा लीजिए। आपने रात से कुछ भी नहीं खाया है। जानकी माँ अपने पति को प्यार से समझाती है। उसके बाद सुंदरलाल खाना खा के बाहर जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में सोम राजू मिलते हैं। चलो सुंदरलाल खेत की तरफ चलते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, तबेले में गाय को चारा डालकर आता हूँ। सुंदरलाल के ऐसा कहते ही ठीक है कहकर दोनों तबेले में जाते हैं और गाय को चारा डालकर वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में सोमराजू को रात में आए सपने के बारे में सुंदरलाल बताते हैं। सुनकर सोमराजू मजाक उड़ाते हैं। ये बात है सुंदरलाल, मुझे भी ऐसा ही सपना आया था लेकिन धरती से सोने का सिक्का बाहर निकल रहा था। ये तो आश्चर्य की बात है, हम दोनों ने एक जैसा ही सपना देखा था। सुंदरलाल चकित हो जाते हैं। सोमराजू सोचता है कि जिसको 7.5 लगी हो उसके पास धनलक्ष्मी कैसे आएगी। ठीक है किसकी किस्मत कैसी है देखते हैं। और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन विनोद को चावल की बोरियां और सब्जी वगैरह बैलगाड़ी में डालकर सुंदरलाल के घर आता है। बड़े साहब, ओ बड़े साहब ये लीजिए,
इस साल अच्छी फसल हुई है। आपके घर में जितनी जरूरत है उतना चावल मेरी तरफ से और ये सारी सब्जियाँ मेरी पत्नी की तरफ से। ये कहकर विनोद चावल और सब्जी की बोरियाँ उतार कर घर के अंदर रखता है। सुंदरलाल कहते हैं कि ये सब किस लिए विनोद? ये तुम बेचकर अपनी पत्नी के लिए गहने और बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकते हो और उन्हें खुश रख सकते हो। इससे तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। वो सब अपने आप आ जाएगा बड़े साहब। आप जैसे इंसान का आशीर्वाद रहेगा तो समय के साथ साथ सब कुछ आ जाएगा। वो सब छोड़िए, आपको एक बात पता है, सोम राजू के घर में जायदाद के बंटवारे को लेकर समस्या शुरू हो चुकी है। उनके तीनों बच्चे आपस में जायदाद के बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। एक हफ्ते में अगर बंटवारा नहीं हुआ तो सोम राजू को उनके बच्चे मार डालेंगे, ऐसी धमकी दी है। पूरे गांव को सलाह देने वाले सोम राजू अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। ये सुनकर सुंदरलाल को बहुत दुख होता है और ये देखकर विनोद उनसे कहता है कि आप तो अच्छे आदमी हो साहब। वो तो अपने मन में छल रखकर लोगों को सलाह दिया करते थे। दिल में छल और बातों में मिठास, उनकी बात सुन के तो लोगों को यही लगेगा कि उनसे बड़ा शरीफ आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। विनोद के किए गए इस मजाक पर सुंदरलाल ध्यान नहीं देते हैं और सोम राजू पर आई मुसीबत के बारे में सोचते हैं। दो दिन के बाद तबेले में बैल को बांधने के लिए खूंटी गाड़ने के लिए वो गड्ढा खोदते हैं। कुदाल चलाते समय जमीन में उनको टन टन की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर सुंदरलाल को लगता है कि वहाँ पत्थर है। वो सोचते हैं कि मैं इस पत्थर को निकाल पाऊंगा या नहीं, इसलिए वो उस जगह को चौड़ी करके खोदने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक घड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर सुंदरलाल को आश्चर्य होता है क्योंकि उस घड़े में बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर सुंदरलाल उस घड़े को फिर से ढक के उसी जगह पर छोड़ देते हैं। बेचारा, ये सोने के सिक्के सोम राजू के होंगे। उस दिन रात को उसने सपने में देखा था कि धरती से सोना निकल रहा था। ये सोना मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो आसमान से सोना गिरते हुए सपने में देखा था। इसीलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। जब सोम राजू को मिलना होगा तो ये मिल जाएगा और उसके बच्चे आपस में बंटवारा करके खुश रहेंगे। ऐसा सोचकर सुंदरलाल सोम राजू से मिलकर सारी बातें बताते हैं। सोम राजू, तुमने सपने में देखा था ना कि धरती से सोना निकल रहा है? वो मेरे भैंस के तबेले में निकला है। तुम जाकर वो सोना ले लो। ये सब सुनकर सोम राजू चौंक जाते हैं और फिर उनके अंदर की लालच बाहर दिखाई ना दे शराफत का नाटक करते हैं और सुंदरलाल को पागल कहते हैं। फिर तुरंत तबेले में जाकर गड्ढा खोदकर घड़े को निकालकर खुशी से फूले नहीं समाते और अपने आप से कहते हैं कि मेरी जायदाद बच्चों में बंटवारा करने के बाद भी इसके सहारे में चैन की जिंदगी बिता सकता हूँ। और फिर वो जब ढक्कन खोलते हैं तो घड़े के अंदर देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस घड़े के अंदर चार जिंदा सांप थे। सोम राजू बहुत गुस्सा हो जाते हैं। धोखेबाज, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इसके लिए उसको ऐसी सजा दूंगा कि वो याद रखेगा। ऐसा सोचकर घड़े का ढक्कन बंद करके वो घड़ा वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं। सुंदरलाल अपने घर जाकर अपनी पत्नी जानकी से कहते हैं, जानकी, आज का दिन सोम राजू के लिए भाग्यशाली है। उसने जो सपने में देखा था ना, उसे मेरे तबेले की धरती से सोना मिला। वो खुशी खुशी उसे लेकर घर चला गया होगा। अपनी खुशी जाहिर करते हैं। जानकी माँ अपने पति की ईमानदारी की तारीफ करके उनको बधाई देती है। उस रात सोम राजू वो घड़ा लेकर सुंदरलाल के घर पर आकर सीढ़ी लगाकर ऊपर से नीचे झांक कर देखते हैं और चैन से सो रहे सुंदरलाल को देख कर सोम राजू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सोचते हैं, मुझे इतना बड़ा धोखा देकर तू कैसे चैन से सो रहा है। फिर सोम राजू घड़े का ढक्कन खोलकर उसके अंदर की चीजें ऊपर से नीचे फेंकते हैं, पर जैसा सोम राजू ने सोचा था, उस घड़े से सांप नहीं गिरते हैं बल्कि उसमें से सोना और जेवर गिरते हैं। अचानक सुंदरलाल अपने ऊपर गिरे हुए सोने को देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को जगाते हैं। देखा ना जानकी, मेरा सपना सच हो गया। हमारा भाग्य आसमान से बरसकर सोने के रूप में आज हमें मिल गया। खजाने को देखकर उनकी पत्नी जानकी भी बहुत खुश होती है और सोचती है कि इससे विनोद के बच्चे का जन्म होते ही उस बच्चे के लिए सोने के कंगन और विनोद की पत्नी के लिए जेवर और बनारसी साड़ी भी देंगे। फिर अपने बच्चों के व्यापार के लिए कुछ पैसों की मदद करके, बेटी को भी थोड़ी सी मदद करके, सुंदरलाल ने जो भी सोचा था वो सब जानकी माँ पूरा करती है
और ये सब देखकर सुंदरलाल सुकून की जिंदगी व्यतीत करते हुए 10 और लोगों की मदद करते हैं। और दूसरी तरफ सोमराजू ने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया। बच्चों ने सोमराजू को घर से बाहर निकाल दिया। सोमराजू की लालच उन्हें दुखद जीवन देती है और सुंदरलाल की अच्छाई उनकी किस्मत को बदल कर भाग्यशाली जीवन देती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।